नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। राम मंदिर भूमि पूजन के दिन ही सोनितपुर में कुछ संप्रदाय के लोग बजरंग दल के सदस्यों पर आक्रमण कर दिया। इसी के साथ कई बाइक गाड़ी चला दिए गए। वहीं पुलिस को परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन ही सोनितपुर में उत्पन्न परिस्थिति, कुछ संप्रदाय के लोग बजरंग दल के सदस्यों पर आक्रमण किया। भारी मारपीट भी हुई, जिलाधिकारी पर भी आक्रमण की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक ठेलामारा गुरुडुबा हरगोरी मंदिर की ओर जाने वाली रैली में आकांक्षा लोग बजरंग दल के ऊपर कूद पड़े, कई बाइक गाड़ी को जला दिए गए। परिस्थिति नियंत्रण के लिए पुलिस सुरक्षा बल को लाठीचार्ज और शून्य में गोली चलानी पड़ी। राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन सोनितपुर जिला में हुई घटना से व्यापक प्रतिक्रियाएं हुई। जिलाधिकारी ने सभी को संयम से शांति बनाए रखने की गुजारिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।